चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। आज तक बेगूसराय लोकसभा से कोई भी ऐसा सांसद जीत कर नहीं गया जिन्होंने आज तक इस क्षेत्र में सड़कों की बात की, शिक्षा की बात की या आर्थिक रूप से मजदूरों से कभी आकर बात की। लेकिन उस सबसे पेट भरने वाला है आज की हमारी समस्या, बेरोजगारी, भूखमरी इत्यादि है। देखिए सरकारी स्कूल का हाल देखिए, उसमें पढ़ाई अच्छा से नहीं होता, बच्चा सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए थाली लेके जाता है। आज हम बेगूसराय लोकसभा सीट के मदनापुर गांव में हैं और हम यहाँ पर यहाँ की जनता से चुनाव के माहौल और यहाँ के मुद्दों के बारे में बात करेंगे। भाजपा सरकार ने सबसे बड़ा उनका वादा ये था कि वो 2 करोड़ नौकरियाँ लाएंगे हर साल। तो चाहे वो युवा हो या चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो, क्या कोई नई नौकरियाँ आई हैं? सरकार कहते हैं सरकार 2000 रुपया खाता में रहना चाहिए, 2000 जो जिन्हें चाहिए रहेगा सरकार काट लेगा, तो गरीब लोग क्या करेगा, कहाँ से आनेगा 2000 रुपया? घर में खाने के लिए है ना, 2000 रुपया खाता में रखने से कहाँ से आएगा? तो आप क्या करते हैं, किसानी करते हैं दीदी? ये कुछ नहीं करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी का काम है यहाँ पर? कोई काम नहीं है सर। ठेकेदारी पे काम करते हैं? कोई चीज नहीं, ऐसे मजदूरी करते हैं, डेली खुरपी पारते हैं, खाते हैं। रोजगार की समस्या हो गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और बहुत सारे लोग अच्छे से अच्छे घर से लोग निकल करके चाय की दुकान खोलते हैं। क्या जरूरी है पढ़ने लिखने के बाद? अगर वही काम करना होता तो बिना पढ़े लिखे लोग भी कर सकते। हमारी सरकार जो है उसके नीति और उसके रोजगार संबंधी समस्या के कारण लोग इस तरह से भटक रहे हैं। इसी उम्मीद से हमारे कन्हैया जी हम चाहते हैं वही हमारे विचार और हम उनके पक्ष की बात करते हैं, उनके लिए ही चुनाव की। पिछली सरकार महिला सुरक्षा के मामले में आपके हिसाब से कैसी रही है? बोलते हैं नीतीश जी अपने आप को सुशासन बाबू, तो ऐसा होता ही नहीं तो बोलते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी उसे हमेशा यहाँ आप बेगूसराय में देखिए तो MA की पढ़ाई GT कॉलेज छोड़कर कहीं होती नहीं, और हम जैसे ग्रामीण परिवेश की जो लड़कियाँ होती है बेगूसराय जाके परिवारन के अभाव में ही कहीं तो जाके पढ़ाई कर नहीं सकती है, इसीलिए कुछ वैसा है नहीं यहाँ पे महिला सुरक्षा के नाम। बेगूसराय में मैंने सुना है कि कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आप लोग जो पीजी कर रहे हैं और ये सब पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बेगूसराय के बाहर जाते हैं पढ़ाई? जी, इसका LNMU दरभंगा में मेन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे एक RVS कॉलेज दिया है जो अर्ध सरकारी है और जो उसके अंतर्गत आता है, वहाँ पे डिस्टेंस से मैं MA कर रहा हूँ और ये बहुत शर्म से बोलना पड़ता है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है और न ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। बार बार सरकार बदलती है और नए नए सरकार बनते हैं तो शिक्षा के बारे में कभी कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ अपने। हमारी मांग है कि यहाँ बरौनी कॉलेज में, बरौनी APSM कॉलेज में MA की पढ़ाई शुरू की जाए, क्योंकि चूंकि कन्हैया छात्र नेता है तो हमारी उम्मीद उनसे है कि छात्र नेता होने के नाते हम सभी छात्रों की समस्याओं का समाधान वो जरूर करेंगे। जो फसल जो आप लेते हैं, बीज लेते हैं, उनके दाम बढ़ गए हैं और साथ ही साथ इसके साथ 6000 रुपए देने की बात की है, तो हम तो कहते हैं कि 1 रुपया सिर्फ नहीं दें, एक बीज नहीं मिल पाती है, एक जो फर्टिलाइजर है सही, यूरिया छोड़ के कोई फर्टिलाइजर सही ओरिजिनल नहीं मिलता है, डुप्लीकेसी मार्केट मिलता है, किसान को 6000 दे के क्या कीजिएगा, ठगते हैं, किसके खाता में दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? कन्हैया में आप लोगों को क्या क्या शक्ति दिखती है? उसमें हर चीज का जुर्म हम देख रहे हैं, उससे हम भी प्रेरित हैं। योग्यता एबिलिटी है और JNU का प्रोडक्ट है, उसमें ऐसे नामांकन नहीं होता है। कन्हैया कुमार के रूप में एक अच्छे नवयुवक को देखने का काम तेगरा और बेगूसराय के लोगों ने किया है और ये युवाओं का एक प्रेरणा है, इसके अंदर युवा अपना भविष्य खोज रहे हैं क्योंकि ये तेगरा विधानसभा और बेगूसराय लोकसभा में अच्छे कामों को कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो या फिर और स्वास्थ्य की क्षेत्र की बात हो या फिर आर्थिक रूप से बेगूसराय को ये सुदृढ़ कर सकता है। आज तक बेगूसराय लोकसभा से कोई भी ऐसा सांसद जीत कर नहीं गया जिन्होंने आज तक इस क्षेत्र में सड़कों की बात की, शिक्षा की बात की या आर्थिक रूप से मजदूरों से कभी आकर बात की। इस बार बेगूसराय की जनता ने पूरी तरह से ये चीज संकल्पित कर ली है कि इस बार CPI के उम्मीदवार कन्हैया कुमार को भारी मतों से जिताकर लोकसभा पहुंचाना है और बेगूसराय को भारत के नक्शे पर एक अच्छे जिले के रूप में व्यवस्थित करना है। मोदी जी पिछले चुनाव में बोले जब हम जीतेंगे तो सभी के खाते में 15 लाख रुपया आएगा, हम सभी जानते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है।
क्षेत्र की समस्याओं और उनकी शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में बात करते हैं। आजकल देश का माहौल राष्ट्रवाद, राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रीय जाति के बता दिया गया, लेकिन उन सबसे पेट भरने वाला है। आज की हमारी समस्या बेरोजगारी, भूखमरी इत्यादि है। देखिए सरकारी स्कूल का हाल देखिए, उसमें पढ़ाई अच्छा से नहीं होता, बच्चा सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए थाली लेके जाता। यहाँ का अस्पताल देखिए, एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। तो ये सब यहाँ की आम समस्या है जिन पर बात नहीं किया जाता है। और जब कन्हैया इन सभी के बारे में बोलते हैं तो उन्हें एक शो में मोहम्मद कन्हैया बोला गया। इस बात पर हम आपत्ति जाहिर करते हैं, क्योंकि जब हम सभी धर्म एक साथ रहकर समानता दिखाना चाहते हैं तो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करवाना चाहते हैं। और ये गिरिराज सिंह के कट्टर सोच के खिलाफ हमारा युवा जोश जरूर काम करेगा, और हमारा युवा जोश जवाब देगा। कन्हैया भारी बहुमत से हमारे घर है।